इंडियन रेलवे पे एक सुहाना दिन है। एक वैगनर अपनी बोगियों को ट्रांसपोर्ट हब छोड़ने जा रहा है। जाते हुए वो अपनी फेवरेट चॉकलेट खाए जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है इससे उसको चुस्ती और फुर्ती से काम करने की एनर्जी मिलती है। आज वक्त से पहुंचने के लिए उसने हाई राइज लाइन के पास से जाने वाले रूट को चुना। तभी पीछे से हाई राइज लाइन से एक वैक्टुएल आया, जो अपनी डबल डेकर मालगाड़ी के साथ कंटेनर टर्मिनल जा रहा था। लेकिन ये देख के वैगनाइन दंग रह गया कि हाई राइज लाइन पे इलेक्ट्रिक इंजन कैसे जा सकता है। ये दृश्य देख के वैगनाइन के होश उड़ गए। इसके पहले उसने सिर्फ डीजल इंजन को ही हाई राइज लाइन पे जाते हुए देखा था, और वैगनाइन को सिर्फ मेन लाइन पे ही जाने की परमिशन थी। बस तभी उसने आगे एक नया बना डाइवर्शन सिग्नल देखा, जिसका टर्न आउट हाई राइज रूट से जुड़ रहा था। अपनी क्यूरियोसिटी के कारण वैगनाइन उस सिग्नल पे आके रुक गया। तभी वहां उसने एक वार्निंग साइन देखी, जिसपे साफ लिखा था कि सिर्फ हाई राइज पेंटोग्राफ होने वाले इंजन ही इस टर्न आउट का इस्तेमाल करें। लेकिन वैक्टुएल को वहां देख के हुई इस क्यूरियोसिटी के कारण वैगनाइन ने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए वहां जाने की। तो उसने खुद को अपने बोगियों से अलग किया, सेफ्टी के लिए अपना पेंटोग्राफ चेंज किया, और सिग्नल के आगे धीमी गति में चलने लगा। टर्नआउट नया होने के कारण वैगनाइन को भी उस पे जाने को थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। वैगनाइन को हाई राइज लाइन पे आते देख वहां खड़े दो रेल फैंस भी चौंक गए। लेकिन आगे बढ़ते वक्त वैगनाइन का पेंटोग्राफ अपनी मैक्सिमम हाइट पे आके अटक गया। वैगनाइन को पावर सप्लाई नहीं मिलने के कारण उसका दम घुटने लगा। उसने बड़ी जल्दी से अपना दूसरा पेंटोग्राफ ऊपर करके पावर सप्लाई वापस पा लिया। तभी हाई राइज लाइन से एक और वैक्टुएल आया। वैगनाइन की इस लापरवाही को देख के वैक्टुएल को उस पे हंसी आ गई, और साथ ही साथ बाजू में खड़े रेल फैंस भी ये देख के हंसने लगे। अपना मजाक बनते देख वैगनाइन नाराज हो गया और वापिस अपनी बोगियों की ओर चलने लगा। शर्मिंदा होने की वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए। वैक्टुएल अपने रास्ते निकल गया, और इधर अपने उदास वैगनाइन ने खुद को माल बोगियों से जोड़ लिया और ग्रीन सिग्नल मिलते ही सीधे लाइन पे निकल पड़ा। क्या वैगनाइन ऐसे ही उदास बना रहेगा? क्या वो हाई राइज लाइन पे जाने की अपनी इच्छा कभी पूरा कर पाएगा? क्या होगा आगे वैगनाइन का, जानिए अगले एपिसोड में। तब तक हैव अ गुड टाइम।